बात है। और इस वक्त डेविड कॉन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस खेल, 180 पर नॉट आउट है। अब तक सिर्फ 5 प्लेयर हैं जो डेब्यू पर डबल सेंचुरी कर चुके हैं, और डेविड कॉन में देखें कर पाते नहीं क्योंकि 8 खिलाड़ी इनका साथ छोड़ चुके हैं। और दिलचस्प बात ये ओपनर भी आए थे, बैट गैरी का भी एक चांस है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर फॉस्टर्स अपने 287 बनाया था डेब्यू पे, और एक वक्त में वो दुनिया का हाईएस्ट स्कोर भी होता था। लेकिन डेविड कॉन में जो कि वैसे वनडे में डेब्यू कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास के भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, 29 एज है। मुझे तो ये हैरत हो रही है कि इनको और पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट क्लास में बड़ी अच्छी ट्रिपल भी सेंचुरी भी की है, बहुत अच्छे परफॉर्मर है। और देखें न्यूजीलैंड की अच्छी बात है, 3-4 कीपर को एक साथ खिला लेते हैं, डेविड कॉन में, वॉटलैंग। हमारे यहाँ तो अगर दो कीपर को भी खिला रहे हैं तो त्रास होता है, बट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सलूट का है।